सामने देख रहे हैं कि लड़की खड़ी है, तो अभी वो लोग बुलडोजर लेकर आ रहे थे और लाठी लेकर, दो पुलिस वाला था, जिसके कारण एक लड़की अभी घायल है, बीजीएस में नहीं है। तो चलिए आप बीजीएस। क्या कहेंगे आज जो घटना हुई है? क्या कहेंगे, मतलब आप लोग सब मतलब पुलिस वाला जो है ना वो एकदम पागल हो गया है और कुछ नहीं, अपना बस वर्दी का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं है। बोकारो का सिटी सेंटर आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बोकारो स्टील के द्वारा अतिक्रमित घोषित किए गए नेक्सा शोरूम को तोड़ने आए बोकारो स्टील के सुरक्षा विभाग की टीम और नेक्सा के कर्मचारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस झड़प में नेक्सा शोरूम में काम करने वाली एक युवती का सर फट गया। नेक्सा के कर्मचारियों ने बोकारो स्टील के सुरक्षा विभाग की टीम के साथ अतिक्रमण तोड़ने आए जेसीबी मशीन को मौके से खदेड़ दिया। दरअसल झमाझम हो रही बारिश के बीच प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ बोकारो स्टील केडीए डिपार्टमेंट की टीम सुरक्षा कर्मियों के साथ आज शोरूम तोड़ने पहुंची थी। इसकी सूचना मिलते ही नेक्सा के कर्मचारियों ने शोरूम से बाहर निकलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। इस दौरान महिला कर्मचारियों पर भी लाठी डंडे से प्रहार किया गया। वहीं शोरूम निदेशक मनीष बंसल ने कहा कि वो यहां व्यवसाय कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं। ऐसे में बोकारो स्टील को न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं पर हुए प्रहार को दुखद बताया। सेल को रास्ता निकालना चाहिए, इतना आदमी का एम्प्लॉयमेंट है, ये आ गया एकदम पूरा अपना फोल लेके कि चलो थला किसी का घर ढा देंगे। मतलब कहें एक गुमटी बैठता है सेल में तो वो लोग आके वो कूलर दे देते हैं। बड़ा शोरूम ऐसे ही बना है, पुलिस वाला पीटा है, पुलिस वाला घंटा से मारा है। महिला पुलिस लेकर नहीं है, महिला पुलिस नहीं मारी है, पुलिस आप रिकॉर्डिंग है आप लोग के पास, एक चार चार पाँच पाँच पुलिस वाला मिल के एक बुरा आदमी को मार रहा है। आपको बता दें कि बोकारो स्टील के संपदा न्यायालय के द्वारा नेक्सा शोरूम को अतिक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर नेक्सा शोरूम को पहले भी नोटिस थमाया गया था, जिसके बाद नेक्सा शोरूम के मालिक के द्वारा रांची हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में अपील की गई थी, जहां मामला खारिज कर दिया गया था। इसके बाद रांची उच्च न्यायालय में डबल बेंच में मामले को लेकर अपील की गई है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।